मनीष कश्यप, क्या सबको करना पड़ेगा, होना चाहिए हमारी अदालतों पर भरोसा? वकील हैं कपिल सिब्बल जी, जो सीनियर वकील भी हैं, ये आरोप लगाया है कि इनके वजह से, मनीष कश्यप की वजह से दो राज्यों के बीच में तनाव हुआ है, इसके वजह से इसका मतलब जो अगले बार जो सुनवाई हुआ था शायद टल गया था। देना था, टला नहीं था, नोटिस हुआ था, नोटिस के बाद जवाब देना होता है और नोटिस के बाद प्रोसेस होता है, टलना नहीं है, प्रोसेस होता है। हमने उसमें एंट्री मांगी है, क्लब करने किया है, लेकिन वो कह रहे हैं इंग्रीडियंट सब FIR के अलग अलग है, अलग अलग होती है तो क्लब नहीं होती। हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है और जैसा कि मैं बता दूं, मनीष कश्यप की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भगोड़ा नहीं है, मनीष कश्यप बिहार का रहने वाला है, बिहार का नागरिक है, सैनिक का पुत्र है, बिहार के लिए काम करता है, तो इसलिए उसे राजनीतिक विद्वेष की भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। उसका चुनाव लड़ना, कह देना कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, अरे वो तो डिप्टी CM तो है ही, जिसकी माता जी मुख्यमंत्री रही, जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे, जिसके पिता आदरणीय केंद्रीय रेल मंत्री रहे, जिसकी बहन सदस्य लोकसभा राज्यसभा सदस्य, और जिसका छोटा भाई बिहार सरकार में मंत्री हो, तो वहाँ उस पर कौन हटा लेगा, कौन बदल लेगा, वो तो सत्ता से जुड़ा हुआ जन्म से लेकर आगे तक चल रहा है। हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है और जैसा कि मैं बता दूं, मनीष कश्यप की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अभी एक ऐसा आया है खबर सुनने में है कि मनीष कश्यप को फिर से रिमांड जो है, मनीष कश्यप का रिमांड बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी हैं, जो कि मनीष कश्यप जी का केस देख रहे हैं और हम हर चीज़ उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और आज सुनवाई की तारीख है, आज सुनवाई होने जा रही है और मैं सारी रिपोर्ट आपको और सारी चीज़ में आपको बताने दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले स्वागत है हमारे चरण सर जी। सर अभी तक जो स्थिति है क्या है सर? हाँ, मदुरई में उसका रिमांड बढ़ाया गया क्योंकि मदर कोर्ट तो पटना है, लेकिन उसे मदुरई में ही रखा जा रहा है क्योंकि वहाँ NSA लगाया हुआ है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीफ साहब की कोर्ट में सुनवाई है और सुनवाई के बाद पता चलेगा कि तमिलनाडु ने क्या रिप्लाई दिया है और बिहार ने क्या दिया है, यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या दिया है। देखिए, NSA लगा रहे हैं और जो क्लब वाली बात है वो कहते हैं सब केसों के कंटेंट से अलग अलग, कहते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड 9 केस पहले के हैं, इसकी वजह से हत्या हुई, इसकी वजह से दो राज्यों में ये सब हुआ, लेकिन आपकी कस्टडी में वो पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में 1 महीने से है, जो 1 महीने से व्यक्ति आपकी कस्टडी में है उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या खतरा पैदा कर दिया, आपने किससे बात करा दी, उसकी किससे मिलवा दिया, किसका व्हाट्सअप करा दिया, किसकी वीडियो कॉल करा दी, किससे SMS करा दिया, वो खुद सरेंडर हुआ, कहीं भागते हुए नहीं पकड़ा, कहीं NBW नहीं हुए, कहीं PO नहीं बना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं बना, कहीं उसने भेष नहीं बदला, कहीं कपड़े नहीं बदले ऐसे कि कोई दाढ़ी नहीं मुड़ाई, बाल नहीं बदले, पगड़ी नहीं बांधी, एयरपोर्ट से नहीं पकड़ा गया, नेपाल बॉर्डर से नहीं पकड़ा गया, कहीं छिपा हुआ नहीं था, आपके सामने थाने में पहुंचा है। तो इस तरह से एक पत्रकार को इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए, राजनीतिक बदले की भावना से कभी भी पत्रकारिता को नहीं देना चाहिए। पत्रकारिता निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता होती है और पत्रकार देश के लोकतंत्र के लिए चौथा स्तंभ के रूप में मजबूत कड़ी है और उन पर इस तरह का दबाव प्रेशर, आगे लोग फिर इस तरह से ऐसे नहीं करेंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार की बात नहीं कहेंगे, प्रवासी की बात नहीं करेगा, कोई हिंदी भाषी की कोई बात नहीं करेगा, मजदूरों की बात नहीं करेगा, उनके शोषण की बात नहीं करेगा, उनके अधिकारों की बात नहीं करेगा। तो यदि आप गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के अधिकारों की बात करें, उनके रक्षण की बात करें, उनके संरक्षण की बात करें, तो सरकार, जैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके लिखा, अन्य मेनस्ट्रीम मीडिया ने लिखा, सब अखबारों ने, सब न्यूज चैनल ने लिखा, सब ने इस तरह से किया, तो मनीष कश्यप ने भी अपने उसको किया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या किस तरह की है, NSA लगाया, मुश्किल बढ़ाई, ये सब कुछ अच्छी बात। सर आपके आपके जो साथी वकील हैं कपिल सिब्बल जी, जो सीनियर वकील भी हैं, ये आरोप लगाया है कि इनके वजह से, मनीष कश्यप की वजह से दो राज्यों के बीच में तनाव हुआ है, इसके वजह से इसका मतलब जो अगले बार जो सुनवाई हुआ था शायद टल गया था। हाँ, पिछली बार, हाँ नहीं, जवाब देना था, टला नहीं था, नोटिस हुआ था, नोटिस के बाद जवाब देना होता है और नोटिस के बाद प्रोसेस होता है, टलना नहीं है, प्रोसेस होता है। हमने उसमें एंट्री मांगी है, क्लब करने किया है, लेकिन वो कह रहे हैं इंग्रीडियंट सब FIR के अलग अलग है, अलग अलग होती है तो क्लब नहीं होती, URL नंबर सबके अलग अलग हैं तो एक अलग विषय हो जाता है। तो ये चीज़ें टेक्निकल हैं, अब साइबर क्राइम के आधार पर उनको देखा जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कहीं वो भगोड़ा नहीं है, मनीष कश्यप बिहार का रहने वाला है, बिहार का नागरिक है, सैनिक का पुत्र है, बिहार के लिए काम करता है, तो इसलिए उसे राजनीतिक विद्वेष की भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। उसका चुनाव लड़ना, उसका ये कह देना कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, अरे वो तो डिप्टी CM तो है ही,
भाई जिसकी माताजी मुख्यमंत्री रही, जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे, जिसके पिता आदरणीय केंद्रीय रेल मंत्री रहे, जिसकी बहन सदस्य लोकसभा राज्यसभा सदस्य और जिसका छोटा भाई बिहार सरकार में मंत्री हो, तो वहाँ उस पर कौन हटा लेगा, कौन बदल लेगा? वो तो सत्ता से जुड़ा हुआ जन्म से लेकर आगे तक चल रहा है। बिहार के लिए तेजस्वी यादव भी चाहते काम हो, नीतीश कुमार जी चाहते भी काम हो, बिहार को मोदी जी भी उठाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय हो की भावना के साथ, जब सब चाहते सब मिलके करें, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएससी कहां से आ गया, ये गलत लगा। सर ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को 7 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी या फिर क्या होगा? लोगों के अटकलें बहुत अभी चल रही हैं। अटकलें लगाने की बात नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजर बनने की बात है, ना भविष्यवक्ता बनने की बात है। अभी वेट एंड वॉच, कोर्ट क्या करती है, अनेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसके बाद देखेंगे क्या वो आदेश करती है, क्या उनका व्यू है, क्या उनका रुख है, उसके बाद आगे पता चलेगा। सर आपने जो याचिका दायर किया था कि सारे केसों को क्लब करके एक जगह करने की, तो सर उस पर क्या हुआ बता? वो वही उस पर रिप्लाई देना, वो कह रहे हैं एक से नहीं है ये केस, एक नहीं है, अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग कंटेंट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, व्यक्ति एक है, मुलजिम एक है, लेकिन यूआरएल नंबर सब अलग अलग हैं, यूआरएल नंबर अलग अलग हैं, घटनाएं अलग हैं, घटना का विवरण अलग अलग, डिस्क्रिप्शन वो कह रहे हैं अलग अलग, इकट्ठा होने के लिए है, उस पर वो रिप्लाई दे रहे हैं, उसके बाद देखते हैं उसमें क्या क्या है किस तरह से। लेकिन पत्रकारिता सूरज की तरह होती है जो रोशनी देती है, बीमारियों को दूर करती है, प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व की तरह पत्रकारिता होती है, और उस आधार पर बस एंट्री कर रहे हैं ना टाइम, तो उसमें करके वो बस ये है और कुछ नहीं। आज सुनवाई है, चीफ साहब सुनवाई करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, न्याय अदालत जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, और इस पर भरोसा आप नहीं करेंगे मनीष कश्यप क्या, सबको करना पड़ेगा, होना चाहिए हमारी अदालतों पर भरोसा। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़े वकील जिनको कहा जाता है कपिल सिब्बल जी, जो बहुत पुराने नेताओं के वकील रह चुके हैं, और उनका किस विपक्ष तरफ से वो लड़ रहे हैं वो? हाँ वो उन्हें होना इधर से ही था, 3 दिन से तो हमारे साथ थे वो। अच्छा, समलैंगिकता हाँ। वाले सेम सेक्स मैरिज में लगातार अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चली, कल परसों नरसों 3 दिन से चल रही थी और सोमवार को भी होगी, उसमें वो हमारे साथ थे, समलैंगिकता के खिलाफ थे, उलेमा हिंद की तरफ से थे, उस तरफ से तो संगठन तक, वकीलों का क्या, कभी इधर है कभी उधर है, कभी इस पग में कभी उस पग में, बनते ही रहे हैं सदा। सर आखिरी बात चाहेंगे कि बेल के लिए अब जो आप जा रहे हैं, एंटरिम बेल हमने मांगी है, उसमें आएगा जवाब। एंटरिम बेल में हमने कहा है कि पीसी रिमांड पर 1 महीने से लगातार चल रहा है और उसको बेल, एंटरिम बेल होनी चाहिए, और वो लाइव अबाइडिंग सिटीजन है, कानून का रखवाला है, बिहार में रहता है, परमानेंट रेजिडेंट है, सैनिक का पुत्र है, माता है उसकी, अविवाहित है, परमानेंट रेजिडेंट है, कहीं भागेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, जो भी कंडीशन लगाएं, जो भी कंडीशन इम्पोज करें उनको मानेंगे। एक सवाल सर, आखिरी सवाल, एनएसए बहुत बड़ा सवाल होता है कि एनएसए लगाने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप कभी चुनाव नहीं लड़ सकता है, नहीं या फिर कुछ कर सकता है, बहुत सारे लोगों की बातें आ रही सामने, एनएसए आखिर होता क्या? नहीं, अतीक अहमद के ऊपर 100 से अधिक केस थे, चुनाव लड़ा, लोकसभा सदस्य रहा, 5 बार विधायक रहा, फिर आपकी मीडिया ने उसे सुलटा दिया, देखो पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ी, योगी जी की जरूरत नहीं पड़ी, कोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी, जेल की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इतना याद रखना जो बात की जाती है, पुलिस के मामले में पुलिस के भी बच्चे होते हैं, पुलिस वाले अनाथ नहीं होते हैं, उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके बीवी बच्चे होते हैं, उनका भी भविष्य होता है, वो भी जिंदा रहना चाहते हैं। पुलिस वाले जब बिखरू कांड हुआ, 9 पुलिस वाले मारे गए, तो उनकी पत्नियां भी विधवा हुई थी, वैसे विधवा हुई जैसे राजनेताओं की पत्नियां होती हैं, ये फर्क नहीं करना चाहिए। आम आदमी भी वही है, कानून का रखवाला भी वही है, लेकिन जहां तक रासुका लगाई गई, एनएसए लगाई गई, वो लगे हैं। अब चुनाव आयोग, आपने कहा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, अब चुनाव आयोग आगे परिवर्तन कर रहा है कि हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस वाले लोग, ऐसे लोग अपराधी जो बड़े बड़े केस हैं, वो चुनाव ना लड़े, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी काम कर रहा है, माननीय मोदी जी भी काम कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं इस केस को लेकर के बहुत सारे पत्रकारों में एक डर पैदा हो गया कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी इस तरह से केस किया जा सकता है। नहीं नहीं, सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं, मनीष कश्यप व्यक्तिगत बोला, व्यक्तिगत नहीं बोला, नीतियों के खिलाफ बोलिए, सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए, व्यक्तिगत विरोध से प्रत्येक पत्रकार को बचना चाहिए। चलिए हमारे साथ ये वकील जी थे, बहुत बड़े सीनियर वकील हैं, और मैं बता दूं आपको कि हमारी मौजूदगी अभी सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में है, और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अपडेट मैं देते रहूंगा, आज उनकी सुनवाई है और वो अगला वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।